अगर कैलकुलेटेड फील्ड आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं मिलता है, खासतौर पर उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो कि आमतौर पर पहले यूज नहीं किया जाता था लेकिन अब बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अभी उसको हम AWC AWS यहां से एक्सेस ओपन करते हैं, और ये देखिए ये 2021 है और ये है 2007। तो अभी हम 2007 को ओपन करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता ही नहीं है। अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे, अलग से क्वेरी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चूज कर लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पर आता है आपको नया डेटाबेस जो भी बनेगा तो उसका नाम आ जाता है बाई डिफॉल्ट, और ये उसके फाइल की एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन तो वही रहेगी। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम यही रखते हैं, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ से क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पर आप डेटाबेस का जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अब यहाँ पर नाम देता हूँ डेटाबेस का प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये कर दिया प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट डी कर देते हैं, इससे पता चलेगा कि ये डेटाबेस है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट डी कर दिया, और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्राइमरी की क्या होती है, कैसे यूज करी जाती है। तो ये तो हो गई प्राइमरी की आपकी, ठीक है। अब प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी कर देता हूँ, ये कर दिया प्रोडक्ट, और अंडरस्कोर लगा के आईडी कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑटो नंबर ही रखते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए ये है ना, यहाँ से लुकअप विजार्ड पे जाएंगे, लुकअप विजार्ड पे जाएंगे, फिर ये विंडो ओपन होगी, यहाँ से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वॉन्ट पे टिक कर देंगे, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक दो जितने चाहे उतने कॉलम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक ही कॉलम की जरूरत है, तो एक ही रखते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पार्ले जी, अब ये बिस्किट का नाम है तो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। फिर दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, लाइक राजधानी बेसन, ये लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर चौथे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देते हैं एवरेस्ट, एवरेस्ट हो गया ये, मिर्ची पाउडर, तो ये हो गया एवरेस्ट मिर्ची पाउडर, तो ये कर दिया हमने। इसी तरीके से और भी हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया कोलगेट, कोलगेट पेस्ट, ठीक है, टूथ पेस्ट है, मैं यहाँ पे पेस्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ओरल बी, ओरल बी, तो ये ब्रश का नाम है, तो ये हमने कर दिया, यहाँ से ओके किया, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट आ भी रहा है, यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पे प्राइस कर देते हैं, तो प्राइस को रखेंगे करेंसी डेटा टाइप, तो यहाँ से करेंसी चूज कर लेते हैं, ये देखिए ये करेंसी आ भी रहा है तो ये करेंसी चूज कर लिया। यहाँ पे यूनिट कर देते, कितने यूनिट आया, 5 किलो आया, 5 आया, 10 आया, कितना आया, तो वो यूनिट। और यहाँ से हमेशा आपको क्या रखना है, नंबर डेटा टाइप। लेकिन रुकिए, यहाँ पर अगर बेसन की बात करें तो वो 1 पाव भी लिया, यानी 250 ग्राम भी लिया जा सकता है, और 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg या 2.5 kg होगा, तो इसके लिए यहाँ नंबर रख करके यहाँ बना देंगे इसे डबल। तो यहाँ पर आपको अगर आप SQL में यूज करते होंगे तो इसे डबल बना लीजिएगा, डबल डेटा टाइप SQL में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे टोटल, तो देखिए यहाँ पर तो आपको कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिल रहा, यहाँ कहीं कैलकुलेटेड डेटा टाइप है नहीं है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, यहाँ पे नंबर रख लीजिएगा और यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटेड नहीं होगा तो कैसे आप ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट के नेम डालने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी तो खुद से आएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम अब डालना ही नहीं है क्योंकि पहले ही हमने डाल रखा है, तो ये पार्ले जी का बिस्किट हो गया। खाली यहाँ पे प्राइस डालनी है, तो यहाँ 500 रुपये प्राइस डाल दिया, अच्छा यहाँ पे देखिए रुपया में आ रहा है, ठीक है, तो ये बिस्किट जो है 500 रुपये में बिकेगा नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 10 रुपये, ठीक है, प्राइस कर दिया। और यहाँ पे 50 पैकेट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल तो नहीं आया क्योंकि टोटल हमने किया ही नहीं, तो कैसे आएगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट चूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से चूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो यहाँ पे कर देते हैं 130 रुपये लीटर, ठीक है। और ऐसे 40 लीटर की बात हो रही है तो यहाँ पे भी टोटल नहीं आया, तो टोटल आएगा कैसे, हमने कैलकुलेट तो किया ही नहीं, इसमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप तो है ही नहीं, राजधानी यहाँ पे बेसन है, तो यहाँ पे 120 रुपये किलो है, और मान लीजिए कि 43 किलो की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी टोटल नहीं आया। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को ले लेते हैं हम, टोटल आए ना आए, ये मिर्ची पाउडर है, तो ये देखिए 1 किलो का पैकेट जो है, यहाँ पे 1 किलो के पैकेट की बात हो रही है, अगर 1 किलो का पैकेट, अब यहाँ पर तो मैं बात कर लेता हूँ यूनिट की, प्राइस की, तो यहाँ पे यूनिट प्राइस जो 100 सपोज कीजिए 90 रुपए है,
एक किलो का पैकेट अगर 190 रुपए, 1190 नहीं 190 करेंगे, मान लीजिए कि 190 रुपए का आता हो और ऐसे ऐसे 3 किलो के पैकेट हैं आपके पास, तो यहाँ पर टोटल प्राइस आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आया। यहाँ पर आते हैं, ये कोलगेट पेस्ट है और ये है आपका 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम के जो पेस्ट है उसकी प्राइस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। लाइक मान लीजिए यहाँ पे 80 रुपए प्राइस है 100 ग्राम के पेस्ट की, और यहाँ पर मान लीजिए कि 6 पैकेट आए तो उसकी भी प्राइस आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं आ रहा है। ये आएगा कैसे उसकी बात अभी करते हैं। और ये ओरल बी का टूथपेस्ट है, तो ये जो है 5 यहाँ पर लिया गया है, सॉरी यहाँ पे इसकी प्राइस डालेंगे तो यहाँ 50 रुपए प्राइस है और यहाँ पर 5 लिया गया है, तो यहाँ पर टोटल प्राइस नहीं आ रही है। तो चूंकि यहाँ पर क्वेरी हमने बनानी होगी तो ही ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे इसे, और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। तो यहाँ से खींच करके यहाँ लाइएगा इसे, आ गया। अब यहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से जूम व्यू पे इसे ले लेते हैं, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ मैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी से आप देख पाएंगे। तो यहाँ से ओके कर दीजिए, तो ये हो गया, आप टोटल आपको ठीक से दिख रहा होगा। अब हमको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस को यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर दिया, और यूनिट करने के बाद क्या करना है आपको, इसको बंद करना है, बंद करके यहाँ से ओके कर देना है। तो ये ओके कर दिया, अब यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए टोटल आने लगेगा। इस तरीके से आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, जैसे हर चीज पे जीएसटी लगा दी गई है, ठीक है ना, तो हर चीज पे जो जीएसटी लगी हुई है तो हमको कैलकुलेट करना है टैक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक टैक्स कैलकुलेशन का डिजाइन व्यू में आके इसको दोबारा से ओपन करेंगे। कर लिया, अब यहाँ पे टैक्स कर दिया, टैक्स इन परसेंट, तो जो भी टैक्स लगाया जाएगा वो यहाँ पर आएगा। तो लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्वेरी बना ली, तो क्वेरी बनाने के बाद ये आपको इजाजत नहीं देता है कि आप कैलकुलेट करें, तो या तो आप इस क्वेरी को डिलीट करिए। तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, इस क्वेरी को रखेंगे नहीं। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे टैक्स लिखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसको हमको दोबारा से क्लोज करना होगा। पहले एक बार ये क्लोज कर दिया हमने, और क्लोज करके इस सॉफ्टवेयर को ही क्लोज कर देते हैं, फिर दोबारा से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं हम। एक्सेस था हमारा सॉफ्टवेयर, और ये 2007 ही हमें ओपन करना है, तो यहाँ से एक्सेस, ये 2007 ये है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपका डेटाबेस दिखाई पड़ रहा है, तो डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए और ये ऑप्शन पे जाके इसे इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ फीचर्स इसमें इनेबल हो जाते हैं, डबल क्लिक करिएगा ये आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर फील्ड जो भी यहाँ पे लेना है, यहाँ पे चेक करते हैं कि अब हम इसमें राइट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए अब आप राइट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेरी एक बार बना लेंगे तब दिक्कत होगी, तब नहीं ये राइट करने देगा आपको, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे टैक्स इन परसेंट कर लीजिए, तो ये कर दिया टैक्स इन परसेंट, इस तरीके से टैक्स इन परसेंट। तो ये टैक्स इन परसेंट यहाँ पे परसेंट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जैसे ही आप नंबर करेंगे और नंबर करने के बाद इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पे आप टैक्स डालेंगे परसेंट में, देखिए ये इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे तो हिसाब साफ दिखने लगेगा। अब मान लीजिए इस सामान पे 5% का टैक्स लगा हुआ है, 5% जैसे ही लिखेंगे ना तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर आपको परसेंट में लिखने की अनुमति मिल जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या, वापस डिजाइन व्यू पे आना है। डिजाइन व्यू पे आने के बाद यहाँ पे इसको बना देना है डबल, यहाँ से डी प्रेस कीजिएगा, डबल बन जाएगा, और फॉर्मेट यहाँ रख लीजिएगा परसेंट, ठीक है। ये देखिए ये फॉर्मेट जो है ये आपको रखना है परसेंट, तो ये परसेंट में रख करके और यहाँ से ओके कीजिएगा, आप देखिए आप परसेंट में लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप पाइप लिखना चाहते हैं तो आप देखिए ये पाइप जो है आपको एंटर करने दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर 10 कर देते हैं, समझने के लिए यहाँ 10 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं 5, और यहाँ पे कर देते हैं 10, ठीक है। तो ये 10 कर दिया, इसी तरीके से हमें चलना है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 कर दिया, तो ये हो गया कुल। इस तरीके से आपको करना है, ये करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करिए, और क्लोज करके और फिर अब दोबारा क्वेरी बनाइए। तो यहाँ से क्वेरी बनाने के लिए जाते हैं, तो दो चीज दी गई है, क्वेरी विजार्ड डिजाइन, तो हमें डिजाइन पे जाना है, ठीक है। डिजाइन पे जाकर के ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करिए और यहाँ से खींच के ले आइए नीचे। और यहाँ पर अब हमको कैलकुलेट करना है, तो टोटल पहले हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके चलते हैं, टोटल कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिएगा, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्राइस, PRIC, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, तो बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए, ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और फील्ड में डालता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, टैक्स अमाउंट कर देता हूँ। यहाँ पे एक फील्ड में यहाँ पे डालता हूँ टैक्स अमाउंट, AMOUNT, तो ये हो गया टैक्स अमाउंट। और यहाँ कॉलन लगा लेता हूँ, और यहाँ पर हम अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। टैक्स अमाउंट दे दिया इस फील्ड को नाम, हम चाहते हैं कि परसेंट में जो टैक्स लगा उसके हिसाब से टैक्स अमाउंट कितना हुआ ये कैलकुलेट होकर आ जाए, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहला काम कि यहाँ पर टोटल लेना है, क्योंकि टोटल के ही अंदर तो आपका टैक्स छिपा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टैक्स इन परसेंट से। तो यहाँ लिखिए टैक्स इन परसेंट,
तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही, अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया स्पेलिंग में तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो टैक्स इन परसेंट जैसे लिखा हुआ यहाँ पे वैसे ही लिख दीजिएगा और ओके कर दीजिए और यहाँ से रन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे सारा कुछ कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2007 है तो उसमें भी आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा क्योंकि क्वेरी अलग से बनानी पड़ेगी, कैलकुलेट करने की सुविधा कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।